हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे। भाई बहुत टाइम से लोग बाग वेट कर रहे थे कि एक्सट्रीम का इंडियन मार्केट में नया मॉडल आए, जबकि भाई अदर कंट्री में मतलब बांग्लादेश में लॉन्च हो चुका है नया मॉडल एक्सट्रीम 125R का, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में ही हीरो वालों ने अभी तक लॉन्च नहीं करा है। लेकिन हीरो ने भाई अनाउंस कर दिया है कि जल्दी इंडियन मार्केट में भी नया मॉडल लॉन्च होने वाला है। अब क्या क्या चेंजेज होगा, कितना प्राइसिंग उसका रहेगा और क्यों नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अभी भाई एक्सट्रीम ऐसी गाड़ी है जो हर मामले में बेस्ट है, चाहे आप लुक और डिजाइन की बात करो, चाहे आप पावर फिगर की बात करो, चाहे आप एक्सेलरेशन की बात करो, चाहे पिकअप की बात करो, चाहे आप टॉप स्पीड की बात करो, चाहे आप माइलेज की बात करो, हर मामले में बेस्ट है। ब्रेकिंग वगैरह, टायर वगैरह सब चीज़ बढ़िया है, इवन बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी A1 है गाड़ी का। लेकिन बस एक चीज़ में ये बेचारी मार खा जाती है, वो चीज़ है भाई कि इसमें अपने को सिंगल सीट नहीं मिलता, स्प्लिट सीट मिलता है। तो फैमिली वाले बंदे भाई इसको पसंद तो करते हैं, लेकिन सीट की वजह से नापसंद करने लगते हैं। इसलिए बेचारी को थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है आज के रेट में, जबकि ये इग्नोर करने लायक है नहीं भाई प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि सिंगल सीट नहीं है। तो इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प ने भाई डिसाइड करा है लोगों का सुन के कि हम सिंगल सीट वेरिएंट लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में, जिसका भाई प्राइसिंग नॉर्मल वेरिएंट से थोड़ा सा कम होगा, 1000 रुपये। जैसे अभी भाई आपको 1,12,000 रुपये का मिलता है IBS वाला मॉडल, और ABS वाला 1,18-1,19 का मिलता है। तो आपको ABS वाले में भी मिलेगा सिंगल सीट और IBS वाले में भी मिलेगा सिंगल सीट, तो दोनों का 1,000 रुपये प्राइसिंग कम हो जाएगा। तो मोटा मोटी बस यही अपडेट एक मिलेगा इस गाड़ी को, बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ तो गाड़ी का सेम ही रहने वाला है, क्योंकि भाई है तगड़ी यार, सब चीज़ तो मिल ही रहा है। हजार्ड बटन, I3S, इंजन किल स्विच, सब चीज़ तो दे ही रखा है, तो अब क्या देंगे अलग से कंपनी वाले। हालांकि ये चीज़ भाई आफ्टर मार्केट हम नहीं करवा सकते, इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम ही लॉन्च कर देते हैं भाई। तो फाइनली यही एक गुड न्यूज़ था, मैंने सोचा अपने भाइयों को बता दिया जाए। आप अगर एक्सट्रीम लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा दिन रुक जाओ, ये अपडेट जैसे ही आएगा फिर आप खरीद लेना भाई, फिर बाद में ऐसे रिग्रेट आपको नहीं करना पड़ेगा ना। बाकी और कुछ डिटेल की बात करें तो एक्सट्रीम में आपको 3 कलर मिल जाते हैं, गाड़ी काफ़ी शार्प है भाई, काफ़ी मज़ेदार लगती है। इसमें आपको 124.7 CC का इंजन मिलता है, 11.4 BHP का पावर और 10.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बाकी हाँ, 60-65 का माइलेज मिल जाता है, 590 किलोमीटर का आपको रेंज मिल जाता है एक बार फुल टंकी कराने पर। टॉप स्पीड आपको 125 तक मिल जाता है, उसके अलावा 5 गियर का सेटअप मिलता है, कीकोड सेल्फ मिल जाता है दोनों, इसके अलावा 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। बाकी फ्रंट में आपको कॉन्वेंशनल फॉक वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। बाकी IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है बेस वेरिएंट में, टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो ABS मिलेगा, सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में आपको टॉप एंड वेरिएंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। बेस वेरिएंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। 17 इंच का टायर मिल जाता है, 90x90 17 इंच का फ्रंट वाला है, और रियर में 120x80 17 है, टायर भी काफ़ी मोटा है। बाकी इसका वजन भाई बेस वेरिएंट का 136 किलो है, टॉप एंड वेरिएंट का 137 किलो है, 794 mm का सीट हाइट है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, डायमंड फ्रेम मिल जाता है, व्हील बेस भी काफ़ी बढ़िया है 1319 mm का, 5 साल 70,000 किलोमीटर का अपने को स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिल जाता है, 5 फ्री सर्विस मिल जाता है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टर्न बटन तो नहीं मिलता, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, माइलेज, गियर पोजिशन, ऐसे बथेरो फीचर्स आपको मिल जाते हैं, हजार्ड मिल जाता है, और आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, मैंने बताया ही 12V 4A का मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है। तो ऐसे बतेरे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। गाड़ी देखो काफ़ी शानदार है भाई, काफ़ी मज़ेदार है, आप अगर लेने का सोच रहे हो तो बेफिक्र भाई ले सकते हो। तो यही एक अपडेट है, मैंने सोचा भाई को बता दिया जाए। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।